राम गोपाल और सीएम योगी की मुलाकात पर पूछा सवाल तो भड़क गए अखिलेश यादव। एक जो मुलाकात काफी चर्चा में है राम गोपाल जी वाली, देखिए आप लोग क्योंकि आपको एड मिलता है सरकार का, तो आप सरकार के हिसाब से बातचीत करना चाहते हो। सवाल पत्र का नहीं है, देखिए आप सरकार का बजट। आजम खान से मुलाकात के बाद बाहर आए अखिलेश ने दिया ये जवाब। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि फौज की भर्ती होने जा रही है, आप लोग लिख रहे हैं 1,00,000 नौजवान आ रहा है, आप भर्ती कितनों को देंगे? समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद से ही राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक ओर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता भी सपा प्रमुख को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल जब अखिलेश यादव से मीडिया ने पूछा तो वो भड़क गए। दरअसल आजम खान से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव गए थे और जब वो बाहर आए तो उनसे राम गोपाल यादव और सीएम योगी की मुलाकात पर सवाल हुआ। सवाल सुनते ही अखिलेश यादव भड़क गए। सबसे मिला आदरणीय आजम का साथ से मैं मिला हूँ, बातचीत आपकी बातचीत हुई आजम खान से। अच्छा और कुछ बोलना चाहेंगे? एक जो मुलाकात काफी चर्चा में है, देखिए राम गोपाल जी वाली, देखिए आप लोग क्योंकि आपको एड मिलता है सरकार का, तो आप सरकार के हिसाब से बातचीत करना चाहते हो। जैसे राम गोपाल जी की ओर से एक पत्र भी जारी हुआ। सवाल पत्र का नहीं है, देखिए आप सरकार का बजट मिलता है आपको, तो जो बजट आप सरकार पुछवाना चाहेगी या जो विपक्षी हैं हमारे वो चाहेंगे, उस तरह का सवाल आप करोगे, ये आपकी गलती नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि फौज की भर्ती होने जा रही है, आप लोग लिख रहे हैं 1,00,000 नौजवान आ रहा है, आप भर्ती कितनों को देंगे? 22 करोड़ फॉर्म भरे गए, नौकरी कितने लोगों को मिली? और फिर अभी तो मान लो भोलेनाथ के बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं, क्या दूध जो चढ़ाया जाएगा वो GST वाला दूध नहीं होगा? टैक्स नहीं लग रहा होगा? अभी जन्माष्टमी आने वाली है, दूध दही पे टैक्स है कि नहीं है? क्या सरकार के पास कोई जवाब है इसका? धूमधाम से त्योहार मनाने की तैयारी तो कर रही है सरकार। नहीं, सवाल धूमधाम का नहीं है, सवाल ये है किस समय धूमधाम से त्योहार नहीं मने। आज सवाल ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सवालों का जवाब है आपके पास? आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एक बारिश में ढह गया, अभी तो बारिश नहीं हुई, आप बताओ किसान को सूखे की क्या मदद कर रहे हो? धान खरीदा जाएगा, क्या तैयारी है आपकी? क्या धान खरीद की तैयारी सरकार करेगी? पहले तो नहीं खरीदा धान। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे एक ही बारिश में ढह गया। मैं खुद हाईवे पे चला, 5 किलोमीटर में 2 बड़े ब्रिज अनकम्प्लीट थे, बाउंड्री नहीं बनी थी, रोड पे मार्किंग नहीं थी, आपकी लाइट्स नहीं लगी थी, और मुझे लगता है कि डिजाइन जो टोल का हुआ है वो भी गलत हुआ है। और चित्रकूट जोड़ने की बात थी, तो क्या चित्रकूट जुड़ गया? क्या आपने 15-20 किलोमीटर पहले नहीं छोड़ दिया? और फिर आज तो मैं अखबार पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कम से कम आप लोग तो सच दिखाइए कि नेताजी की शुरुआत थी, समाजवादी सरकार ने उसे आगे बढ़ाया। ऐसे में कहा जा सकता है कि राम गोपाल यादव और सीएम योगी की मुलाकात अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं खटक तो जरूर रही है, लेकिन वो कुछ भी बयान देने से अभी बचते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आगे सियासी हालात किस तरह के बनते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।